ये करमत्ता भाजी है जो हम लोग अपने साइड नहीं जानते थे खाना, ये यहीं पे आके सीखा है हमने। ये भाजी ना बहुत टेस्टी लगता है, ये हमने यहीं आके खाना सीखा है, पहले हम लोग नहीं खाए थे। और ऐसा बोलते हैं कि गर्मी में बहुत ठंडा करता है बॉडी को और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या हो कथा कथा हो और मैं गुलाबी गुलाबी है गुलाबी टोपी पहने हो और वहाँ नीला कलर के टी शर्ट थोड़ी छत्तीसगढ़ी में क्या हूँ कमजोर है जीरो हूँ जीरो जीरो हूँ लेकिन जीरो हूँ। ये करमत्ता भाजी है जो हम लोग अपने साइड नहीं जानते थे खाना, ये यही। वेल हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ काम से, अभी बज रहे हैं एक और ये मीहू अपने पापा के पीछे पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, फिर हम लोग वापस आएंगे। मीहू के पापा गाड़ी निकाल रहे गाइस, तो इसकी वजह से ये भागने के लिए कैसे रिएक्शन दे रहे हैं आप देख सकते हो। और मैंने जस्ट अभी बाल धोया था, बाल धो के निकली थी, तो उसके पापा ने कहा कि हम लोग थोड़ा सा उधर जाके आएंगे तो काम है। ये मीहू घूमने के नाम से देखो अब कैसे मजे से बैठे हैं गाइस, ये घूमने के नाम से ऐसे खुश हो जाते हैं ना एकदम से, इनको बस घूमना रहता है, चाहे कहीं भी जाए, काम से जाए, चाहे कहीं मार्केट जाए, कहीं जाए, बस कार में कार देख के खुश हो जाते हैं। दुकान किराया भी के पापा बीहू को किसी से मिलाने ले जा रहे हैं, गांव है ये, शायद पहले यहाँ पे पढ़ाते थे या फिर उनके बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनसे मिलने गए हैं। आंटी से ये घर है, मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। और यहाँ पे ये फूल है, कितना सुंदर फूल दिख रहा है देखो, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया फूल है ना, ये यहाँ पे घुसे हैं उनके घर में, मिलने के लिए गए हैं आंटी से। पेड़ है एकदम, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मस्त लग रहा है। खाती हूँ बकरी, क्या है बाबू उसमें, क्या है भाग रहा है ए बकरी है, मे, और ये पूरा बाड़ी है पीछे, पता नहीं कुछ तो सब्जी लगा है यहाँ पे, एकदम मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, हमारे घर साइड नहीं चलता है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, कौन बांध दिया है तुम लोग को ऐसे, किसने तुमको बांध दिया, खोल दो क्या मैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, मस्त ठंडा ठंडा, मुझे ना एकदम ऐसे ग्रीनरी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अगर कॉलोनी के बीच में है ना, तो वहाँ पे पेड़ पौधा बहुत कम है, और मैं वैसे भी शुरू से गांव में रही हूँ, हम लोग का मायका गांव में है, मेरा ससुराल भी गांव में है, तो वहाँ एकदम बाड़ी, फिर एकदम खेत, हरे भरे पौधे, तो मुझे ऐसे रहने का आदत है यहाँ पे रह के, मुझे बड़ा सा स्टार्टिंग में तो मैं बता रही हूँ आप लोग, इतना घुटन महसूस होता था ना, मतलब अजीब सा ऐसा लगता था कि मैं किसी कैद में आ गई हूँ और भाग जाऊँ, लेकिन फिर धीरे 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 गाँव में, हाँ मतलब कुछ कमियाँ ज़रूर रहती हैं, उतनी सुविधाएँ नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सुकून है, जो सुकून है ना शहर की लाइफ में कभी नहीं मिल सकता, बहुत सुविधाओं के बावजूद, चमक धमक के बावजूद भी। आप लोग बताना आप लोग को क्या अच्छा लगता है, मुझे तो गांव पसंद है, आई लव। और यहाँ मेरे हस्बैंड ये आंटी से बात करने लग गए थे और बाबू को मिला रहे थे उनसे, ये आंटी ना मेरे हस्बैंड शादी से पहले जहाँ किराए पर रहते थे ना, तो वहाँ पे उनके साथ ही रहती थी, तो उनकी यहाँ पे दो बेटियाँ थी और वहाँ पे जैसे उन्होंने देखा उनको तो ये मिलने के लिए चले गए, उनसे खूब सारी बातें कर रहे थे। इनकी ना आदत है, जो भी पुराने दिख जाते हैं ना इनको पहचान वाले, तो इनसे मिलकर बातें करने लगते हैं, बोलते हैं कि अच्छा भी लगता है ना कोई पुराने जान पहचान का होता है उनसे बात करना, तो हम उनसे मिल के एक कुर्सी निकल गए। टीका लगाना है, 1.5 साल वाला बच गया है, अभी जाइए लगाना नहीं देखना है। आप देखो इस इंसान को, ये सुबह से 2 बार खाना खा चुके हैं और अब हम लोग जैसे ही बाहर से आए ये बोलते हैं कि मुझे भूख लग रहा है मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, और मेरा बस चलता ना तो जूम करके मैं इनका पेट दिखाती, देखो देखो कैसे निकला है। और ये हर दूसरे दिन में बोलते हैं कि मैं डाइटिंग करूँगा, और एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, टिफिन लेके नहीं जाते हैं, फिर दूसरे दिन से इनको फिर भूख लगना चालू हो जाता है। आप बताओ दुनिया का कौन सा इंसान ऐसा डाइटिंग करता है, धूप में तुमको गर्म वरम नहीं लगता है क्या, देखो फिर भाग गया। हमारा गाड़ी वो वहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं वही सोच रही थी कि दूसरी गाड़ी में कभी नहीं जाते, कैसे जा रहे हैं, लेकिन ये दूर से हमारी गाड़ी पहचान जाते हैं, तो भाग के चले गए। और इतना गर्म है, मैं बताती हूँ आपको, पत्थर, मतलब हम लोग खाली पैर रख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको गर्म भी नहीं लगता है, इनको बस बाहर घूमने मिल जाए तो ये बस गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो ये निकल लेते हैं अपना, पता नहीं बच्चों को कितना घूमना अच्छा लगता है, हमें तो टाइम मिलता था हम तो सो जाते पसर।
रिएक्शन दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको, मैं रिएक्शन दिखाती हूँ। मियू का रिएक्शन दिखाती हूँ। माजा इनका फेवरेट है, माजा। अरे बॉटल के साथ बिस्तर में, ये माजा खत्म हो गया। तो गाइस अब लाइट बंद होने जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके। तो गैस हम लोग जब ही गए थे, फिर उसके बाद फिर से घर वापस आ गए थे क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा काम और बच गया है, तो फिर से जा रहे हैं। तो ये मीहू रो रहे हैं कि पापा गाड़ी निकाल रहे थे, इनको फिर से लग रहा है कि पापा छोड़ के जा रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं फटाफट से। चल बेटा आ आ, चल बैठ, घुस घुस जल्दी। जल्दी जल्दी हो गया। चलो मोर पर जगह नहीं बचा होगा। अरे खींचेगा ना। मीहू के पापा बाहर निकल गए तो फोन में बात कर रहे थे। देखो मीहू गुस्सा हो गए। मीहू बोल रहे हैं कि गाड़ी खोलो और चलो जल्दी, कैसे भाग रहे हैं देखो। मतलब इनको बाहर निकल के तो गाड़ी दिख गया, तो गाड़ी में ही बैठना है। जस्ट ये हम लोग निकल चुके हैं गैस यहाँ से, और हम लोग घर निकलेंगे, घर जाएंगे यहाँ से सीधे। गैस मैं आपको दिखाती हूँ ये मीहू ने क्या कंडीशन बना रखा है बिस्तर का, और ये देखो ये मज़े से आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब पढ़ाई करेंगे। मैं आपको दिखा, इसका कवर नहीं है। कौन कौन बचपन में ऐसे करता था, मैं भी ऐसा ही करती थी। इसका कवर को इन्होंने फाड़ के अलग कर दिया है। बस हम लोग नानी यहाँ जाते हैं तो बस में बैठते हैं ना, ट्रक साइकिल। मीहू के पास तो बनाना भी है, ये बनाना इसका आधा मीहू खा गए हैं। और बस दिखाओ सबको, बस दिखाओ, चलो बस दिखाओ, चलो पढ़ो, ते 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 बोलो, चलो चलो। मीहू को गुस्सा आ रहा है, मीहू को भी बाहर हो गया है। क्या है पापा, अब प्यार कर दूंगी आप, क्या चाहिए, क्या करेंगे, वो तो दिखा रहे हैं। ये क्या चाहिए बेटे, क्या चाहिए, ये मीहू की कार है, इसमें मम्मा बैठती है, इसमें पापा बैठते हैं, इसमें मीहू ड्राइव करते हैं, और पीछे हम सवारी बिठाते हैं, जाते हैं उनके पापा की गाड़ी की आवाज सुन के, इनके पापा की गाड़ी की आवाज सुन के ये भागे 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 भागे। पापा की गाड़ी की आवाज जैसे ही आई ना, ये ऐसा भाग के आए हैं दरवाजा खोल के, और गेट में इंतजार कर रहे हैं कि इनके पापा कब आएंगे, क्या करेंगे। नहीं मैं गेट नहीं खोलेंगे, देख पापा आ रहे हैं, देख पापा पापा एंटर कर रहे हैं, देख पापा रहे हैं, मम्मा हाँ ना खोल लग गया क्या। हाँ मिलन होगा, मिलन, पिता पुत्र का मिलन, महामिलन, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मिलन होता था, वैसे पिता पुत्र का मिलन होता है यहाँ पे रोज। कार में घूमना है इसको, हाँ सुबह से घूम रहे हैं आज, वही करते रहेगा बस। इन लोग ले पिता पुत्र घूमने के लिए निकल गए, इन लोग का भ्रमण कार्यक्रम चालू हो गया। मैं हूँ घूमने, किस में जाएगा, स्कूटी में, अच्छा उसमें जाना है। इसमें दाल सब्जी चावल बना चुकी हूँ, और मेरे पतिदेव इनको थोड़ा में नहीं पुरता है, तो मुझे ये फिर से केला काटने के लिए बोले हैं, और ये अभी बना रहे हैं केले की सब्जी, और उधर मेरा चावल और भाजी बन चुका है। इतना खाने वाले इंसान आपने कहीं देखा है क्या। और ये मेरे बेटे
एज इट इज अपना काम में लग गए हैं, फिर से काम करने चले गए हैं अपना। अपने बेटे को परेशान करने वाले कौन कौन कर रहे हो? अपने बच्चे को पकड़ नहीं सकते। वो देखो गाइस, ये है रात वाली पलटन। ऐसा मीहू को परेशान करने के लिए आए हैं, सब मीहू को परेशान करने के लिए आए हैं। गाइस हमन सिस्टर हमन हवन, ये है येलो डट्टी फैलो। ये लड़की है येलो डट्टी फैलो। लो बोलो, ए हा पीला पहन के आए और मैं हा रेड पहन के आए हो। कथा और मैं गुलाबी है, मुला में टोपी पहने हो और वहाँ नीला कलर के टी शर्ट वाला टूरा जावा थे। हमने कहा रात में हमन हा हमर टूरा ला भेज दे हो घूमे बर, और हमन हा यहाँ मस्ती करत हन। ऐसने भग आवत हन, झक झक भग भग राव रात के मेरा है। ए हा अंधियार हरे, अंधियार ही रात उजर हरे। ए हा गेट हरे, कपाट हरे। सॉरी मैं थोड़ी छत्तीसगढ़ी में क्या हूँ, कमजोर है, जीरो हूँ लेकिन हीरो हूँ। और तो लड़का वहाँ अपन दादी संग होती घूमे गए है, मोर लड़का घूमे है, ए घर के दादी संग घूमे है। ओ मोर घर हरे, ये दादी के घर हरे, और वहाँ कर वो गली में मोर घर। और ए लड़की मन, ए टूरी मन मोर लड़का ला अब परेशान करते, तो दादी है मोर लड़का ला घुमाए बड़। लाइक कमेंट कर दो, सब्सक्राइब मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर दे। खड़े है टोपी फ्रॉक पहन के। अरे टूरा रोवत है, फकत धार फुरू रोवत रहते। स्पेशल डिजाइन हमारे घर के सामने बनाया गया है इन प्राणियों के द्वारा, इस लड़की के द्वारा। क्या कर रहा है मीहू? पाउडर लगा रहा है मीहू, पाउडर लगा रहा है मीहू। तो क्या कर रहा है भैया लोग, तेरे को बेवकूफ बना रहे थे, समझ आया? गाइस हम लोग बाहर में थे, मीहू के पापा खाना बना रहे थे, तो हम लोग आ चुके हैं, अभी सब्जी बना रहे थे। और क्या बात है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सब साफ सुथरा है। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि बहुत गंदा होगा। मैं दाल सब्जी चावल बना चुकी थी और वो केले की सब्जी फिर से बना रहे थे। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, ये पूरा खाना वाना निकाल के सब चीज़ करके ये मुझे बुलाए हैं। ये है इनके केले की सब्जी, काफ़ी यम्मी दिख रहा है। गाइस ये बना है दाल, ये बना है भाजी, पापा को सर्व करेगा अभी। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और इन्होंने ये निकाला है अपने पप्पा के लिए, खाना निकाल दिया है। Because my son loves me very a lot। बस बेटा हो गया, पापा ज्यादा नहीं खाते है बेटा, पापा डाइटिंग चल रहा है, मैं हूँ ज्यादा मत निकाल, मैं हूँ। ये देखो गाइस निकालते हैं तो बच्चों को निकालने देना चाहिए। हाँ ये जो सर बता रहे हैं कि कभी बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जिज्ञासा होती है, और अगर हम उन्हें मना करते हैं तो उनका जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। इसलिए जो भी करते हैं उन्हें करने देना चाहिए, जिससे उनके दिमाग का विकसित होते हैं, वो समझे। लेकिन ये पापा लोग ये नहीं समझते कि अगर फेंकते हैं तो मम्मी को साफ करना पड़ता है, लेकिन क्या करूँ। देखो और इन्होंने ये इतना सारा सब्जी निकाल दिया है, देखो